फाइनल एंड एंडिंग प्राइस ये एकदम फाइनल है, फाइनल 2,75,000 में गाड़ी को छोड़ देंगे हम। 2,75,000। हेलो कार्लोवर, आज मैं लेके आऊँ आपके लिए i20 2014 मॉडल। ये आपकी हो सकती है सिर्फ 2,90,000 में। कैसे, तो वीडियो के एंड तक बने रहिए, आपको बताते हैं कि यह कार आपकी कैसे हो सकती है। सो गाइस, आप जो देख रही है i20, इसका मैं एक वॉक अराउंड ले लेता हूँ कैसी दिखती है। अराउंड में देखा ही होगा कैसे दिखती है। इसके भी ये हेडलैम्प अभी जैसे के वैसे ही हैं जो कंपनी फिटेड आते हैं। ये रही इसकी फॉग लाइट, अब उतनी पुरानी तो हल्की सी डस्ट वगैरह तो है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। टायर की कंडीशन भी देख सकते हैं, प्रॉपर तरीके से है, टायर इनफ है, न्यू ब्रांड कंडीशन के ही है। यहाँ पर मिल जाते हैं आपको अलॉय व्हील। पीछे साइड का भी टायर अच्छा खासा है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ये बैक लाइट, ये रहा इंजन जो कि अभी तक सील्ड पैक है, इसको ना अभी एक आध बार रिट्यून किया गया ना ही कुछ। इसमें आपको न्यू बैटरी मिल जाती है एक्साइट की है। ये रहा इंजन, इसका साउंड आपको सुनाते स्टार्ट करके। जैसा कि आपने वीडियो में देखा होगा, एक सेल्फ स्टार्ट है अभी भी। हुंडई का इंजन ऐसे भी अपनी काफी ज्यादा किलोमीटर तक प्रसिद्ध रहता है। तो चलिए, ये तो हुई इसके इंजन की बात, अब बात कर लेते हैं इसके एक्सटीरियर प्लस इंटीरियर की। सो गाइस, ये रहा i20 का इंटीरियर। इसमें आता है 6-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन, दिख रहा होगा आपको 6-स्पीड है इसमें, 14 मॉडल में आता था। चलिए अंदर बैठ के बात करते हैं इस कार में। उस समय भी हमें यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिल जाता जो कि डिजिटल नहीं रहता था। इसका साउंड आपको सुनाता हूँ अभी थोड़ी देर से। यहाँ पे मिलता था हमें इसका 6-स्पीड गियर नॉब, जो कि यहाँ से एक स्विच रहती थी, इसको बैक करने पे यूज़ किया जाता था। सो गाइज, ये कार आपको इस कंडीशन में मिल जाएगी। अभी वो कैसे मैं आपको बताता हूँ थोड़ी देर से। ये इसमें भी वैनिटी मिरर मिल जाता है इसमें। यहाँ पे माइक की प्लेसमेंट दी जाती है। ये हैजार्ड लैम्प की लाइट दी गई है यहाँ पे, दोनों स्टार्ट है। ये रहा इसका स्पीडोमीटर प्लस आरपीएम मीटर प्लस पेट्रोल टैंक और हीटर का ऑप्शन, मीटर गेज पूरे स्टार्ट से। इसमें यहाँ पे मिल जाते हैं आपको एसी वेंट्स, यहाँ पे मिल जाती है हमें लाइट्स के स्विचेस, यहाँ पे ऑटो वाइपर वगैरह कंट्रोल मिल जाता है यहाँ पे। उस समय भाई स्टेयरिंग कंट्रोल्स मिलते थे, ये बहुत बड़ी बात है, और एयर बैग खासकर मिलता था। टॉप मॉडल तो नहीं है क्योंकि इसमें सेंटर लॉकिंग नहीं आती है। अब बात करें इधर की, तो ऑटोमेटिक मिरर मिल जाते हैं इसमें, प्लस पूरे पावर विंडोज़ है। ये ऑटो का ऑप्शन है, यहाँ पे लाइट चेंज कर सकते हैं आप, सेट कर सकते हैं एंगल वगैरह। यहाँ पे आपको एक डिस्प्ले मिल जाता है छोटा सा, कितने किलोमीटर क्या चली है, मे बी पॉसिबल हो। यहाँ पे आपको डिस्प्ले मिल जाता है छोटा सा जो कि हमें इंफॉर्मेशन शेयर करता है पूरी। अब चलिए बात करते हैं इसके बैक साइड में, यहाँ पे हैंड ब्रेक है। चलिए बात करते हैं इसके बैक साइड में कि अंदर से कैसी है कार। ये रहा इसका बैक साइड, काफ़ी अच्छा है, बट वही है सीट्स वगैरह जो कंपनी से आती हैं वही है, चेंज नहीं हुए हैं लग रहा है मुझे तो अभी तक। ये रहा इसका पॉकेट वगैरह, सीट बेल्ट भी इंटैक्ट, अभी तक कोई इशू नहीं है, विदाउट एक्सीडेंटल कार है ये। चलिए अब बात कर लेते हैं इसके बूट स्पेस की, और भी उधर कारें खड़ी है कैसे मैं अभी बता रहा हूँ आपको। चलिए ये रहा इसका फ्रंट साइड देख लो एक बार आप। चलिए अब चलते बैक साइड में। यहाँ पे हमें डिग्गी ओपन करने के लिए एक सेंसर दिया जाता है, क्लिक करूँगा तो ऑटोमेटिक उठ जाएगा। ये रहा इसका बूट स्पेस, यहाँ पे उस समय भी लाइट दी जाती थी। ये रही i20। चलिए इसका इंजन स्टार्ट करके दिखाता हूँ आपको अंदर कितनी वॉइस आती है। तो सो गाइस, मैं मारता हूँ यहाँ पे सेल्फ और आपको बताता हूँ कि अंदर कितनी वॉइस आती है कार के।
सो ज्यादा आवाज नहीं जैसे रहती है नॉर्मली i20 डीजल में, उस टाइप की ही आवाज है। चलिए आपको बताते हैं इस वीडियो के आगे के पार्ट में कि ये कार आपकी कैसे हो सके। सो गाइस, ये हमारे साथ में जो बैठे हैं ये है भैया, कार के तो नहीं, बहुत सारी कार से यहाँ पे डीलरशिप चलाते हैं। भैया क्या नाम है आपकी डीलरशिप का? साईराम ऑटो डील के नाम से हमारी डीलरशिप चलती है। यदि आपको थोड़ा प्रॉब्लम हुआ हो तो मैं फिर से रिपीट करवा रहा हूँ, माइक मेरी हाथ में थी, फिर से आप बोल दीजिए। हमारा बालाघाट मोतीनगर चौक पे साईराम ऑटो डील के नाम पे काम चलता है, साईराम ऑटो डील। अच्छा, तो आपने एड्रेस देख ही लिया होगा, मैं डिस्क्रिप्शन पे भी डाल दूंगा, भैया का नंबर भी डाल दूंगा। भैया कौन सा मॉडल है ये? i20 2014 का मॉडल है और फर्स्ट फुल टॉप मॉडल है ये। अच्छा, फुल टॉप मॉडल है जी। मैं आपको बीच में सेकंड टॉप बता दिया था, शायद सेंटर लॉक नहीं थी इसके लिए, तो भैया बता रहे टॉप मॉडल है। अच्छा, की दूसरी होगी। तो आप ये बताइए, एक मॉडल तो है 2014 का, तो ये डीजल है कि पेट्रोल है? ये डीजल वेरिएंट है, i20 में डीजल वेरिएंट ही मार्केट में अच्छा चल रहा है अभी। पेट्रोल वेरिएंट का एवरेज माइलेज कम आता है, मेंटेनेंस ज्यादा रहता है, इसलिए मार्केट में अभी अपने बालाघाट में तो खास करके डीजल वेरिएंट ही ज्यादा चल रहा है। तो भैया ये बताइए, यदि किसी को लेना है ये कार, तो आप लास्ट प्राइस क्या होगी इसकी, फाइनल एंड एंडिंग प्राइस? ये एकदम फाइनल है, फाइनल 2,75,000 में गाड़ी को छोड़ देंगे हम। 2,75,000 में आपको ये कार मिल सकती है। यदि आपको चाहिए इस कार की टेस्ट ड्राइव या कुछ, तो आप भैया का कॉन्टेक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, मैं एड्रेस भी दे दूंगा। अब भी इसमें बात कर लेते हैं, इंश्योरेंस कितने टाइम का है इसमें? इसका फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस है 0 डे वाला, जो कि 6 महीना वैलिड है अभी। 6 महीना वैलिड है। और अपने फाइनेंस वगैरह की सुविधा? फाइनेंस की पूरी सुविधा है हमारे यहाँ, फाइनेंस अवेलेबल है। मार्केट में जितने फाइनेंस चल रहे हैं वो पूरे फाइनेंस अपने पास अवेलेबल है, कम से कम ब्याज में। सो गाइस, जैसा कि आपने देखा होगा, अगर आपको इस कार की ज्यादा डिटेल्स चाहिए तो आप भैया से आके कॉन्टेक्ट कर लीजिएगा। मैं भी थोड़ा सा कार चला के आपको बता भी दूंगा कि कार कैसी चलती है, क्या इसमें दिक्कत है। वैसे तो मुझे अभी, मैं स्टार्ट कर रहा, थोड़ा चला के भी आया, कोई दिक्कत लगी नहीं है। तो ऐसी वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना। मिलते हैं ऐसी किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। जय हिंद तो नहीं, अभी टेस्ट ड्राइव आपको दिखाते हैं, ज्यादा देर की नहीं, 1 या 1.5 मिनट की दिखाएंगे आपको। चलिए उसके बाद में वीडियो को एंड करते हैं। बताता हूँ, मैं सेल्फ स्टार्ट कर रहा हूँ। सबसे पहले तो आपको दिखाया था, सेल्फ तो एक बार में उड़ जाते, ऐसी कोई दिक्कत तो है नहीं। सीट बेल्ट की नॉइज आ रही है, बहुत बढ़िया पिकअप है। दूसरे गियर में भी मैं इसको करीब करीब आपको दिखा सका हूँ, 1,500 RPM के आसपास में खींच रहा हूँ अभी, 2,000 भी लगभग खींच ही दिया हूँ। बहुत शानदार पिकअप है भाई, मजा आ गया। ज्यादा अपन उसको लेके नहीं चलेंगे यहाँ पे, चलो आगे तक लेके ही चल लेते हैं थोड़ा सा। वैसे काफी ज्यादा अच्छी तो है, बस वही है, यदि आपको पसंद आ जाए तो ज्यादा बेस्ट है कार, कोई दिक्कत है नहीं अभी। सो गाइस, अभी मैं इसको एसी में चला रहा हूँ गाड़ी को, पर ऐसा कोई मेरे को दिक्कत तो अभी भी समझ में नहीं आ रही है, नॉर्मल है कार। बस थोड़ा सा ग्राउंड क्लियरेंस का आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, ज्यादा तो नहीं, हल्का सा, क्योंकि i20 2014 मॉडल आपको पता ही होगा कि कैसा ग्राउंड क्लियरेंस रहता था उस समय में। चलिए आज की वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं, आपको मिलता हूँ मैं कल किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।